अब अंगद ही सबसे आगे था। बिरजू और राजू उसके पीछे पीछे चल रहे थे। राजू कभी पेड़ों के झुरमुट वाले उस स्थान से आगे नहीं गया था, इसलिए उसके जिस्म में भी एक अजीब सी झुरझुरी पैदा हो रही थी। आगे जाकर एक अजीब ही दृश्य देखने को मिला। अब तक वे जिन हरे भरे पेड़ पौधों के बीच में से होकर गुजर रहे थे वो धीरे धीरे सूखते जा रहे थे। अब वे जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां पेड़ के नाम पर कई सारे सूखे हुए ठूंठ खड़े हुए थे, उनकी पत्तियां मुरझाई हुई थी। बिरजू को इस पूरे परिदृश्य में पहली बार ऐसा अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला था। उसने अंगद से कहा, ये क्या जंगल के बाहरी हिस्से में इतनी हरियाली और अंदर इस जगह इस तरह का नजारा, अजीब बात है। अंगद बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम फसल के देवता को ढूंढने के बेहद करीब हैं। सब लोग सतर्क रहना, हम पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इसके बाद तीनों उन सूखे पेड़ों को पार करके और आगे जंगल की गहराई में जाने लगे। अचानक से उन तीनों के कदम ही एक साथ रुक गए, क्योंकि ठीक सामने पत्थर की एक छोटी सी गुफा का मुहाना उनके सामने था। राजू की तो आंखें ही चमक उठी, वो भाव विभोर होकर बोला, देवता, देवता का आवास, इसका मतलब ये कि देवता हमेशा से इस जंगल में ही वास करते थे। अंगद ने उसकी तरफ मुड़कर पूछा, बिल्कुल करते थे, तुम्हें क्या लगा? राजू बोला, मुझे लगता था कि वे जरूरत के समय अपने आप ही प्रकट होते हैं और भूलोक पर कुछ समय के लिए विचरण करके गायब हो जाते हैं। अंगद अजीब तरीके से उसे घूरता हुआ बोला, ये तो मानना पड़ेगा कि मैंने पहली बार एक ऐसे पिशाच का सामना किया है जो एक बड़े स्तर पर लोगों का ब्रेन वॉश करने की और उनकी अंधश्रद्धा का फायदा उठाने की काबिलियत रखता हो। चलो अब इस गुफा के अंदर चलते हैं। फिर जो गुफा के मुहाने से अंदर झांकता हुआ बोला, अंदर तो काफी अंधेरा है, हम में से कोई टॉर्च लेकर आया क्या? मोबाइल की फ्लैशलाइट से काम नहीं चलेगा। अंगद ने तुरंत बैग की जिप खोली और उसमें से एक बड़ी सी टॉर्च निकाल ली। राजू और बिरजू दोनों आंखें फाड़े उस टॉर्च को देख रहे थे, क्योंकि वो काफी अजीब सी थी। उसका डिजाइन किसी आधुनिक अस्त्र की तरह था और देखने से ही पता चल रहा था कि उसका भार साधारण टॉर्च से अधिक ही होगा। अंगद टॉर्च चलाकर सबसे आगे बढ़कर गुफा में चला गया। उसके पीछे पीछे राजू और बिरजू भी चल दिए। गुफा की छत छोटी होने के कारण अंगद जैसे 6 फुट लंबे इंसान को थोड़ा झुककर चलना पड़ रहा था, जबकि उससे कम कद के राजू और बिरजू के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं थी। गुफा का तापमान थोड़ा ज्यादा था। खिंदा में आकर पहली बार अंगद ने गर्मी महसूस की थी और एक बंद जगह होने के कारण वहां गर्मी के साथ साथ आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी भी बहुत थी। सबको यह महसूस हो रहा था कि बस जल्द से जल्द यह संकरा रास्ता किसी तरह खत्म हो। थोड़ी दूर जाकर वो रास्ता खत्म हो भी गया और वे लोग गुफा के दूसरे सिरे पर पहुंच गए, जो किसी बरामदे जैसा चौड़ा था। वहां तापमान भी थोड़ा सामान्य हो गया था, जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। वो जगह एक बड़े हॉल की तरह थी। अब अंधेरा भी उतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि बाहर से सूरज की किरणें दीवार में पड़ी हल्की सी दरारों से अंदर की तरफ आ रही थी। अंधेरा पूरी तरह छटा नहीं था, जिस वजह से अंगद को टॉर्च ऑन रखनी पड़ रही थी। अब उन तीनों ने इधर उधर नजर घुमाई, वो जगह काफी पुरानी लग रही थी। अंगद टॉर्च को रोशनी में दीवारों को ध्यान से देखते हुए चल रहा था। उस पर काफी पुराने भित्ति चित्र बने हुए थे। उन्हें देखकर अंगद ने कहा, राजू बिरजू फौरन इस तरफ आओ। दोनों तुरंत अंगद के पास पहुंचे तो वो बोला, इन दीवारों को ध्यान से देखो, इन पर धूल और चारकोल को मिक्स करके भित्ति चित्र बनाए गए हैं। बिरजू बोला, भित्ति चित्र अजंता और एलोरा की गुफाओं की तरह? अंगद उन भित्ति चित्रों को ध्यान से देखता हुआ बोला, मेरे ख्याल से उनसे भी पुराने। अजंता एलोरा की गुफाओं में भी गोबर लीपकर चावल के दानों की मदद से चित्रकारी की जाती थी, रंग का भी इस्तेमाल होता था। ये चित्र तो उनसे भी प्राचीन लग रहे हैं, लोग हजारों साल पहले इस तरह से आर्ट बनाते थे।
पहले वह धूल और चारकोल को दीवार पर पोत देते और उसके बाद किसी जानवर की खोखली हड्डी से फूंक मारकर उसे एक चित्र का रूप दे देते। वो हड्डी उस जमाने में पेंट ब्रश का काम करती थी। इस तरह के चित्र प्राचीन आदिवासी लोगों द्वारा बनाए जाते थे। इसका अर्थ यही हुआ कि जिस जगह आज हम खड़े हैं वहां हजारों साल पहले किसी आदिवासी सभ्यता का बसेरा था। बिरजू भी अब ध्यान से उन चित्रों को देखता हुआ बोला, यहां चित्रों के ही माध्यम से किसी भी घटना को समझाने की कोशिश की जा रही है। क्या इनकी अपनी कोई भाषा नहीं रही होगी? अंगद बोला, रही होगी, तो भी उस भाषा को लिखित स्वरूप देना उन्हें नहीं आता होगा। तभी तो हर चीज भित्ति चित्रों के माध्यम से कहने की कोशिश की जा रही है। अब जरा एक एक चित्र को ध्यान से देखते हुए क्या आकलन करने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहां क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। राजू को भी अब उनकी बातों में दिलचस्पी हो रही थी। तीनों मिलकर शुरू से सारे भित्ति चित्रों को देखने लगे। सबसे पहले एक धुंधले से चित्र में कोई व्यक्ति सिंहासन पर बैठा था और उसे मुकुट पहनाया जा रहा था। दूसरे चित्र में उस मुकुट पहने व्यक्ति की अगुवाई में बाकी लोग किसी प्रकार का युद्ध कर रहे थे। तीसरे चित्र में अपने शत्रुओं के हाथों पराजित होकर मुकुट पहना व्यक्ति और उसके साथी उनकी कैद में खड़े थे। चौथे चित्र में वे सब किसी स्त्री के आगे झुके हुए थे। उस स्त्री के शरीर के चारों ओर ऊर्जा का एक घेरा था। पांचवें चित्र में वो स्त्री सिर्फ उस मुकुट पहने व्यक्ति को किसी प्रकार का आशीर्वाद दे रही थी और वो उसके चरणों में झुका हुआ था। छठे चित्र में उस मुकुट पहने व्यक्ति को अपने शत्रु को अपने खाली हाथों से मारता हुआ दिखाया जा रहा था। ये सारे चित्र स्पष्ट रूप से नहीं बनाए गए थे, एकदम सांकेतिक थे, लेकिन इन्हें क्रमवार तरीके से इतना बढ़िया ढंग से रखा गया था कि एक के बाद एक सारी घटनाएं कुछ कुछ समझ में आ सके। अंगद उन चित्रों को देखते हुए बोला, ये मुकुट पहना व्यक्ति शायद किसी आदिवासी कबीले का सरदार था। ये लोग कुछ अन्य लोगों से युद्ध में पराजित हुए। उसके बाद ये सरदार किसी महिला से मिला, जिसके बाद ये लोग अपने शत्रुओं से वापस युद्ध करके जीत गए। मुझे तो बस इतना ही समझ में आ रहा है। राजू ने उस महिला की आकृति की तरफ इशारा करते हुए पूछा, लेकिन इसके शरीर के इर्द गिर्द इस प्रकार का घेरा क्यों बनाया गया है, जैसे इसके शरीर से ऊर्जा प्रस्फुटित हो रही हो? आखिर क्या कहानी बयान करने की कोशिश कर रही है ये तस्वीरें? तभी उन सब के कानों में एक साथ पिशाच की सर्द और रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ाने वाली आवाज गूंजी, ये भित्ति चित्र मेरी कहानी बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं हमेशा से एक पिशाच नहीं था और ना ही यहां हमेशा से ये खेंदा गांव था। हजारों साल पहले यहां मेरा कबीला वास करता था और मैं था उस कबीले का सरदार। उसकी आवाज सुनकर बाकी सब एकदम से सतर्क हो गए। अंगद ने बाकी दोनों से कहा, एकदम सावधान रहो, हमें पता है कि पिशाच कुछ मील दूर से भी किसी भी व्यक्ति तक अपनी आवाज पहुंचाने की काबिलियत रखता है। दोनों मेरे साथ रहना और घबराना मत, उसका सामना हम सब साथ ही में करेंगे। अंगद और बिरजू तो उस आवाज को सुनकर बस थोड़ा सा सतर्क हुए थे, लेकिन राजू की आंखों में अविश्वसनीयता थी। उसने कांपती आवाज में पिशाच से पूछा, कबीले के सरदार, आपके कहने का मतलब है कि आप भी कभी हम सब की तरह एक साधारण मानव थे देवता? एक मिनट तक खामोशी छाई रही, उसके बाद फिर से उस पिशाच की दिल दहला देने वाली आवाज उनके कानों में गूंजी, हाँ, अब तो न जाने कितना समय गुजर गया उस बात को, लेकिन मेरे लिए तो समय जैसे रुक सा गया है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब अपने पिता की मृत्यु के बाद मुझे कबीले का सरदार घोषित किया गया था। हमारा गोंड की कबीला उस वक्त आसपास के कबीलों में
सबसे समृद्ध माना जाता था। मेरे कबीले वालों को मुझसे यानी अपने नए सरदार मामोसा से कुछ उम्मीदें थी, लेकिन मैं कमजोर था, उनका नेतृत्व करने के लायक नहीं था। यह बात उन्हें भी तब पता चली जब दूसरे कबीले के लोगों ने हम पर हमला कर दिया। तुम जो भित्ति चित्र देख रहे हो वो उसी समय के आसपास के हैं। हमें आक्रमण करके बंदी बना लिया गया था। उसकी कहानी सुनते वक्त सबसे ज्यादा सतर्क अंगद ही था। उसे पता था कि पिशाच बहुत शातिर है, उन्हें बातों में लगाकर किसी भी वक्त उन पर हमला कर सकता है। पिशाच ने अपनी कहानी जारी रखी। हमें उन दूसरे कबीले वालों ने बंदी बना लिया था। हमें उनकी गुलामी करनी पड़ती थी। सरदार होने के बाद भी मेरा अपमान कराने के लिए दूसरे कबीले के सरदार ने मुझसे अपने मवेशियों को चराने जैसे काम भी करवाए थे। हमारे अंदर विद्रोह तक करने का साहस नहीं रह गया था। तस्वीर में जिस रहस्यमयी महिला को तुम देख रहे हो वो मुझे रात्रि के पहर में मिली थी, जब मैं दूसरे कबीले के सरदार के मवेशियों को चराकर वापस लौट रहा था। उसके आते ही आकाश में तेजी से बिजली कड़कने लगी थी, आंधी तूफान चलने लगे थे। उसका और मेरा आमना सामना मुझे आज तक याद है। उसे मेरी भाषा तक बोलने की आवश्यकता नहीं थी, वो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। लंबा और छरहरा शरीर होने के साथ उसके चेहरे पर एक विशेष आभा थी। मुझे 2000 वर्ष हो गए इस धरती पर और इस बीच मैंने कई सभ्यताएं देख ली, लेकिन उसके जैसे अजीबोगरीब वस्त्र मैंने आज तक किसी को पहने हुए नहीं देखा। उसने बस मेरी आंखों में देखा और मैं उस महिला की सारी बातें स्वतः ही समझता चला गया, मानो कि वो मुझसे मानसिक संपर्क द्वारा सारी बातें बता रही हो। अंगद के साथ साथ बाकी सबको भी अब पिशाच की आवाज थोड़ी पास आती महसूस हो रही थी। अंगद ने टॉर्च पर हाथ कसकर जमाते हुए पूछा, वो महिला कौन थी सरदार मामोसा? पिशाच एक पल की खामोशी के बाद बोला, बड़े दिनों बाद किसी ने मुझे मेरे असली नाम से पुकारा, वरना न जाने कब से अपने लिए फसल के देवता का संबोधन ही सुन रहा हूं। खैर, सच कहूं तो मैं भी आज तक यही सोचता हूं कि वो आखिर थी कौन। हालांकि उसने मुझे अपने बारे में यह बताया था कि वो एक देवी है जो कि इस ब्रह्मांड में तब से है जब कुछ भी नहीं था। तारे, ग्रह, सौर मंडल, कुछ भी नहीं। उसने बताया कि ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रहों पर बसने वाली कई प्रजातियां उसकी पूजा करती हैं, जिसके बदले में वो उन्हें अद्भुत शक्ति देती है। उसने मेरे सामने यह प्रस्ताव रखा कि अगर मैं और मेरे लोग उसकी भक्ति करें तो वो मुझे भी इतनी शक्ति देगी कि मैं अपने शत्रुओं का सफाया अकेले ही कर सकूं। बदले में हम लोगों को आजीवन बस उसकी भक्ति करनी होगी। उसने कहा कि हमें ब्रह्मांड के ऐसे राज बताएगी जिससे हम इस धरती की सबसे बुद्धिमान आदिवासी जनजाति बनकर उभरेंगे। मेरे पास उस समय खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने तुरंत उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ऐसा करते ही उसने मुझे अपने हाथ से स्पर्श मात्र किया और ऐसा होते ही मैं पूरी तरह तड़प उठा। मुझे भी ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे शरीर को भीतर से भींच रहा हो। मैं जमीन पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा। वो पीड़ा बेहद असहनीय थी। मुझे अपनी नसों में बहता रक्त प्रवाह थमता सा महसूस हो रहा था। एक एक अंग दर्द कर रहा था, लेकिन अचानक से सब कुछ शांत हो गया।
उसके बाद जब मैं उठा तो मुझे अपनी रगों में एक नया जोश, एक नई स्फूर्ति महसूस हो रही थी। मैं खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहा था। मैं बिना देर किए दूसरे कबीले के सरदार से भिड़ने चल दिया। उसके लोग बरछी भाले जैसे नुकीले हथियार लेकर मेरी तरफ आ रहे थे, लेकिन अब मेरे शरीर में उनसे कई गुना अधिक ताकत थी। मेरी गति भी उनसे बहुत अधिक थी। मुझे महसूस हो रहा था कि उनके कदमों की आहट मैं दूर से भी सुन पा रहा था। मेरी नई खूबियों के चलते वे मुझे नहीं पकड़ सके, और मैंने बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने खाली हाथों से उन लोगों का सफाया कर दिया। मुझे लड़ते देख मेरे लोगों का भी मनोबल बढ़ा, क्योंकि न जाने कब से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस कबीले के सरदार की गर्दन को मैंने खुद धड़ से अलग किया था। मेरे कबीले वालों को मुझ पर फिर से विश्वास हो गया था। मेरे लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं थी। अंगद ने ध्यान दिया कि अचानक से उससे 10 फुट की दूरी से कुछ एकदम तेजी से निकला, जो कि अंधेरा होने की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दिया। अब वो पिशाच की योजना समझ पा रहा था। उन्हें बातों में उलझाकर पिशाच धीरे धीरे उनके पास आता जा रहा था। आज के लिए बस इतना ही। आगे के भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।